अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। और जहां जहां तक लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको जो है वो मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। और जनाब ये कि जी आप हमें लाइव कॉल करते हैं, आपको पता है कि आपके स्क्रीन डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा जिस पर आप हमें लाइव कॉल करते हैं। और इसके अलावा अली तबस्सुम के पर्सनल नंबर्स भी आ रहे होंगे जिन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। मेलिंग आईडीज भी आ रही होंगी, दो आईडीज आती हैं आपकी स्क्रीन पे, एक मेलिंग आईडी और एक पे फेसबुक लिखा होगा, यानी कि दोनों का लिंक जो है वो सेम है और आप उस पर जो है अली को मैसेज भेज सकते हैं, यानी कि फेसबुक पे अली को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसके अलावा अली को मेल भी भेज सकते हैं। लेकिन अपना नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि शो का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आप लोगों की कॉल्स जो है वो लगातार लगी हुई होती है। वैसे अब इन सारी बातों के बाद जो असल बात भूल गई यार वो ये कि आप लोगों को मिलवाना होता है हमें अपने एस्ट्रोलॉजर अली तबस्सुम से। तो आइए चल के मिलते हैं अली से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम सभी। अली इतना जज्बाती हो जाती है अपने व्यूवर्स को और कॉलर्स के साथ कि मुझे वो ही नहीं रहा कि अली की तरफ भी फौरन ना हो। माशाल्लाह इतना जज्बाती होती है तो फिर आपको तारीफी कलमात भी सुनने को मिलते हैं ना। हाँ ये तो बात है। खैर जिस तरह से कल हमें कॉलर जो है मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे, खैर वो और अली क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी, बस काम हो रहे हैं और बहुत जिंदगी फास्ट हो गई है, समझ नहीं आती कि दिन में कौन सा काम पहले करें, किसकी इब्तिदा करें और किसकी इंतहा करें, और एक बस वो सफरे मुसलसल बन गई है जिंदगी, ऐसे एक जद्दोजहद की तरह कि जैसे हम पता नहीं कौन से मार के सर अंजाम देना चाह रहे हैं। आप यकीन करें कि हर इंसान इतना तेज, इतनी लाइफ फास्ट हो गई है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान बैक पीछे मुड़ के देखने की नौबत गवारा ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेल व्यूअर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा जिस पे आप हमसे जो है वो अपनी बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, यानी अली आपको बताएंगे बर्थ स्टोन के बारे में, उसकी रेमेडीज के बारे में और जो कुछ भी आप पता करना चाहते हैं। और अली ने जो बहुत जबरदस्त बात की कि जिंदगी इतनी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वाकई वो जहदे मुसलसल वाली बात हो गई कि एक सांस से और आखिरी हिचकी तक सिर्फ एफर्ट ही एफर्ट कर रहे होते हैं और इसी में इंसान की जिंदगी का फिर एंड हो जाता है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि पहली सांस से और आखिरी हिचकी तक आप सिर्फ एफर्ट ही कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली मेंबर को और अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, एक रूहानियत अपनानी चाहिए। यकीन करें कि इसमें इसी में इंसान की सही जिंदगी का मजा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और अभी बस सही बात यह कि वाकई जो है वो सारी चीजें जो अली ने कहा वो अपनानी चाहिए और बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? कुरतलैन बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। कुरतलैन, अच्छा कुरतलैन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बिल्कुल भी जी। हेलो। हेलो जी। जी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त। 18 अगस्त 18 पूरी डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त जी जी 1981। अच्छा आपकी अम्मी का नाम क्या है? शीला बानो। क्या नाम है? हेलो मेरी बात सुने कुरतुलन, आप टेलीविजन सेट देखकर हमें जवाब दे रही हैं। हेलो जी, मैंने पहले भी एक दिन कॉल की थी लेकिन उस टाइम ना लाइव चली गई थी। अच्छा मेरी आप बात सुनिए, आप टीवी अपना जो है वो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फोन पे आप मुझसे बात कीजिए। जी जी फोन पे बात कर रही हूँ। हाँ मगर आप टीवी देख देख कर मुझे मेरे ख्याल जवाब दे रही, क्योंकि जितने पॉज के साथ आपका जवाब आ रहा है। आपकी वालदा का नाम क्या है? सवाल बताइएगा। ये कि ना पहले किसी से मैंने मालूम किया था कि उन्होंने बताया था कि आपके हर काम में प्रॉब्लम है, रुकावट है, तो ये मालूम करना था कि क्या वाकई में ऐसा है। ठीक है। और ठीक शादी कब तक होगी? ठीक है बिल्कुल समझ गए। थैंक यू। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और जनाब कुरतुलैन की कॉल के साथ ही टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बस हम फौरन जाते हैं और फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। और जब हमने शो शुरू किया था हमारी फर्स्ट कॉलर थी कुरतुलैन जी। अली आपके हवाले कुरतुलैन। थैंक यू कॉल देने का सबीन। यहाँ पे हमारी सिस्टर शी बिलोंग्स टू न्यू, जिसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का स्टार हम कहते हैं, यहाँ पे शम्स बुर्जसा से रिलेटेड है कुरतुलैन। यहाँ पे इनका इसमें 14 मई से बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, अभी मार्च है, अप्रैल मई नेक्स्ट मंथ से फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। एजुकेशन का घर इनका बहुत अच्छा है, तालीम का घर। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो गुड न्यूज इनको मैं दे रहा हूँ, 7th हाउस में इनका अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, मैटर लाइफ कामयाब रहेगी इसी साल के एंड तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने बहुत मुबारक रहेंगे, लास्ट 4 मंथ एंड ऑफ दिस ईयर बहुत मुबारक रहेंगे। यहाँ पे अच्छे प्रपोजल जून जुलाई से आना शुरू हो जाएंगे।
बातचीत दिसंबर में या फिर 2013 के जनवरी फरवरी तक इंशाल्लाह जा सकती है, जो कि कामयाब रहेगी। इस वक्त आपकी प्लेनेटरी पोजीशन फर्स्ट हाउस एंड थर्ड हाउस में बहुत स्ट्रांग है। तालीम से रिलेटेड कोई टेक्निकल काम, कोई भी हुनर सीखना चाहती है या कोई काम करना चाहती है तो कुरतुलैन मेरी बहन ही आपका बेस्ट टाइम है। अपने माइंड को यूज करके कोई भी आप टेक्निकल काम या कोई भी इनडोर या आउटडोर काम करने की सलाहियत अगर आपके अंदर है तो शादी से पहले आप मेरी बहन इन चीजों में अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकती हैं। अच्छे स्टार बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में मून, थर्ड हाउस में वीनस एंड सेवंथ हाउस में जुपिटर। तीन अच्छे स्टार खुशियों की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। रेड कलर का सदका दिया करें, रेड रूबी पहन सकती हैं, सुर्ख याकूत जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर में या मिडल फिंगर में, सूरह शम्स, सूरह रहमान एंड सूरह इनाम की तिलावत किया करें। नजरें बद से बंदिशात से सेफ रहेंगी, जो भी जिंदगी में रुकावटें बंदिशात आती रही है पास्ट में उनसे आप सेफ रहेंगी। थैंक यू अली। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं सफिया बोल रही हूँ भैया से, मुझे अपने भाई का पूछना है। अच्छा, नाम बताइए। नहीं, मैं उसका नाम। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। ठीक है, वालदा का नाम बता दीजिए। रफिया। रफिया, अच्छा ये बताइए कि सवाल क्या है? वो ना भाई की तबीयत सही नहीं रहती और उनका कुछ बता दें और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये ना हमने प्राइस बॉन्ड खरीदा हुआ, उसका कुछ बता दें कि निकलेगा या कब तक, जरूर बताना। जी जी बिल्कुल जरूर बताएंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑन योर जवाब सुनिएगा, शुक्रिया जी अली। वेल सबीन, हमारी सिस्टर के भाई का हम बताएंगे। स्कॉर्पियो, ही बिलोंग टू स्कॉर्पियन जिसे मुरीक मुजक्रब कहते हैं। भाई नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई आपने नईम की। यहाँ पे इनका सेकंड हाउस अच्छा है, लक काम कर रही है, बिजनेस जॉब जैकपॉट लकी चांस लॉटरी बॉन्ड वगैरह की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अगर अपनी खुद स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं तो इनका एक बेस्ट टाइम है। इनका एक प्रेशियस टाइम विल बी स्टार्ट आफ्टर फॉर टू मंथ, अब मई जून से इनका बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है सभी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे भाई की प्लानिंग अभी कर रहे हैं बिजनेस की जॉब की तो इनको गुड न्यूज मिल सकती है। बाकी ये कि कुदरत इनका साथ दे रही है, अच्छे लोगों का साथ रहेगा इनकी लाइफ में, अब्रॉड जा सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको फायदा हो सकता है। सिक्स हाउस डिस्टर्ब है बीमारियों का, माइंडली तौर पे जरा थोड़े से डिस्टर्ब है, फिजिकली तौर पे बहुत ज्यादा बॉन्ड ना निकलने का शायद स्ट्रेस लिया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि लकी इंसान है, इंशाल्लाह कामयाबी इसमें मिलेगी। रेड अकीक, येलो सफायर, दोनों में से कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। येलो सफायर मीन पुखराज एंड रेड अकीक सुर्ख अकीक, दोनों में से कोई भी स्टोन। सुर्ख रंग का सदका अगर हमारी सिस्टर अपने भाई का देती है तो बहुत मुबारक रहेगा। बहुत ज्यादा सूरह आले इमरान एंड सूरह बकरा की अगर इनके भाई तिलावत करते हैं डेली तो इनके लिए बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू अली। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और अली वैसे मुझे लगा कि ये सारा जोर जो है ना बॉन्ड्स पे जाता है। एक और कॉलर मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मेरा नाम कोमल है और मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी कोमल, क्या पूछेंगी? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। नाम बताइए। भाई का नाम है मोहम्मद खालिक। खालिक, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल। ठीक है, और 1989। अच्छा कोमल, अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम है अक्षा। सही, सवाल बताइएगा। मुझे ये पूछना है, भाई जो ना बाहर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑन योर जवाब सुनेगा जी अली। भाई जो है इनके कोमल के बाहर जाना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं। हिस्टोरियन, बुर्ज सौ से रिलेटेड है। यहाँ पे इनके इस भाई का स्टार इस वक्त थोड़ा सा वेट करने के लिए इनको कह रहे हैं। 21 जुलाई से इंशाल्लाह इनकी प्लेनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, बाहर जाना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा इसी साल के मिड तक, वही जून जुलाई अगस्त या फिर थर्ड क्वार्टर जिसे हम सितंबर अक्टूबर नवंबर के में शुमार करते हैं, तो इन बिटवीन इन मंथ के अंदर इनके भाई मूव कर जाएंगे और तकरीबन 3 to 5 ईयर का एक लॉन्ग ड्यूरेशन इनका मैं आउट ऑफ कंट्री में अब्रॉड में सेटलमेंट होते हुए देख रहा हूं। प्लेनेटरी पोजीशन इनकी अच्छी है। मैं समझता हूं कि अगर ये बिजनेस भी अगर करना चाहते हैं जुलाई अगस्त में पाकिस्तान में वो भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। बिजनेस करने की पोजीशन में नहीं है, बास दफा नहीं होता इन आदमी के पास इन्वेस्टमेंट, तो इनके लिए बाहर जाना मुबारक रहेगा। ग्रीन सदका दिया करें अपने भाई का, ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं मोहम्मद खालिक जिसे हम जमुर्द कहते हैं या फिर ओनेक्स पहन सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा सूरह कुरैश, सूरह वल्लैल एंड सूरह अलम नशरा की अगर ये तिलावत करते हैं और तस्बीह करते हैं, या हाफिजु या नाफियु या रज़ाकु, तो ये इंशाल्लाह आगे रास्ते खुलेंगे नजरे बैड एस्पेक्ट्स को भी, कुछ रुकावटें हैं तो उनसे ये महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे और बाहर जाने इनके लिए मुबारक रहेगा जुलाई तक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अच्छा अली, जो टॉरियन जो होते हैं, टॉरस जो स्टार के होते हैं, ये लव के मामले में कैसे होते हैं? बड़े सेंसिटिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रोमांस पसंद होते हैं और हर चमकती हुई चीज इनकी कमजोरी होती है, दिल फेंक होते हैं और मैं समझता हूँ कि अक्सर वीनस से रिलेटेड, क्योंकि मोहब्बत की देवी इनका स्टार बनता है इनका, और जिसे हम रोमांस का स्टार कहते हैं, लव का कहते हैं। बुर्ज टॉरस का बनता है इसमें सौर, एंड लिब्रा का बनता है जोहरा स्टार और बुर्ज मेजान। ये दो ऐसे स्टार हैं कि ये मोहब्बत के मामले में बस बहुत ज्यादा दिल फेंक होते हैं, हर जगह इसमें अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन सिंसियर इतने ज्यादा नहीं होते, बड़े कम लोगों से लोग सिंसियर होते हैं, लेकिन बैक वक्त इश्क मोहब्बत में उसमें लगे रहते हैं और हर एक को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला रहे होते हैं, लेकिन सच्चे साबित नहीं होते, सच्चे साबित नहीं होते। ठीक है जी, सब टॉरियन से अलर्ट हो जाएं। हाँ नहीं, मैंने कहा कि एक जिसे मैरिज करते हैं उससे वाकई वफादार होते हैं, उससे सच्चे होते हैं, लेकिन बैक वक्त जब तीन चार से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो उसमें से अगर एक के साथ इनकी मैरिज हो जाएगी तो 100% ये उनके लिए बहुत लकी रहेंगे और बहुत ज्यादा मोहब्बत देंगे, लेकिन बैक वक्त जब तीन चार से कर रहे होते हैं तो फिर तो समझ लें कि उसमें से तीन से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, एक से सिंसियर होते हैं। हाँ, मगर एक वक्त नहीं, तीन चार से इनका लव चल रहा होता है। वेल जनाब, अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मेरा नाम फरहाना है जी। मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1973। 25 दोबारा बताएं, क्या बताया आपने? 25 अगस्त 1973। ठीक है। मेरे बेटे का नाम है दानियाल, उसकी है। अच्छा, मुझे एक बात, आप मुझे एक बार बताइएगा फरहाना, आपने अपने बारे में पता करना है या बेटे के बारे में? मैंने अपने बारे में भी पता करना है और अपने दो बच्चों के बारे में, कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो क्या शादी का चांस कब तक है, फरहाना बाहर जाने का चांस है मेरे या नहीं? अच्छा, अब मेरी आप बात सुनिए, आप पहले अपने बारे में पता कर लीजिए, फिर बेटों के लिए आप फिर बाद में किसी वक्त में सवाल बताइए। ठीक है, मेरे बारे में बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए आपकी वालदा का नाम क्या है? मेरी वालदा का नाम है जमीला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उन्हें जवाब सुनिएगा अली, इनका दोबारा शादी करवाना चाहते हैं, ये जो है वो बेवा हो चुकी हैं और बच्चे भी इनके हैं। फरहाना 25 अगस्त वर्गो अतारुल बुर्ज सुमला से रिटर्न है, सैफेरिस बाई नेम एंड बाई बर्थ वर्गो अतार। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर तक कुछ गुड न्यूज मिल रही है मैरिज के हवाले से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फरहाना माय डियर सिस्टर, तो कह सकता हूँ कि आपका सितंबर अक्टूबर अब तक यहाँ पे कुछ बात बन सकती है यहाँ पे, और जो लोग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी बन सकती है फ्यूचर में, जो आपको इंपॉर्टेंस, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसमें लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, जेमिनी एंड सैजिटेरियस, ये चार पांच स्टार आपको आगे जिंदगी में खुशियां, कामयाबियां दे सकते हैं। बाकी है कि मुबारक सफर निकल रहा है आपका, बिफोर अगर मैरिज से पहले अगर आपका कुछ इरादा है तो आप हज उम्र की तरफ अगर आपका रुझान है तो आप डेफिनेटली मूव कर सकती हैं, मुबारक सफर निकल रहा है। आफ्टर मैरिज भी प्लानिंग कर सकती हैं, हज का उम्र का इरादा अगर करती है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करें मेरी बहन रेड कलर में एंड ग्रीन कलर में, स्टोन वेयर कर सकती है येलो सफायर पुखराज 4-5 कैरेट का, ज्यादा से ज्यादा सूरह निसा, सूरह नूर, सूरह इखलास एंड सूरह कौसर की अगर आप तिलावत करती हैं बिफोर आफ्टर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम, तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत मुबारक रहेगा। जो खुशियां, जो कामयाबियां हासिल करना चाहती हैं, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें आप इंशाल्लाह कंटिन्यू ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं कामयाबियों की तरफ। थैंक यू अली, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? मैं शुमायला बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। जी शुमायला, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। नाम बताइए। मेरे भाई का नाम है उमर फरूक। ठीक है।
और अम्मी का नाम है अरशाद बीबी। ताज बीबी ठीक है। और मैंने ये पूछना है कि मेरे भाई की ना एंगेजमेंट हुई हुई है और मैंने कंपैरिजन करवाना है। कंपैरिजन करवाना, अच्छा ये बताएं कि भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? 21 मार्च 1991। 21 मार्च 1991 ठीक है। अच्छा आप ये बताएंगे जो आपके भाई की मंगेतर हैं या जिनसे बात हो रही है उनका नाम, उनकी अम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ? उनका नाम है सादिया और अम्मी का नाम है शादा। सादिया और शादा, अम्मी का नाम है शादा। ठीक है। और ना भाई वो जो मंगेतर है ना सादिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता है। ठीक है चलो बहुत शुक्रिया। अच्छा बात सुने जी सुने। और मुझे ये भी पता करना है कि मेरे भाई की शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना क्रिएट होगी? और जॉब करते हैं और कोई कारोबार करेंगे तो क्या उनके लिए बेहतर रहेगा? ठीक है बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, उन्होंने जवाब सुनिएगा। जी अली वेल उमर फारूक नाम बताया ना जी, उमर फारूक, उमर फारूक बाय नेम एंड बाय बर्थ एरीज है जिसे मुरीक बोझामल कहते हैं। अच्छा स्टार है मेरी बहन, इसमें शुमाइला आपके भाई का भाभी आपके लिए बहुत ज्यादा रास आएगी, आपके भाई के लिए सादिया बाय नेम कैप्रिकॉन, इसमें जोडिक सेंटर साइन सैटर्न जिसे हम जोर बुरजद्दी कहते हैं, दोनों का पेयर बहुत मुबारक रहेगा। बिजनेस करना उमर फारूक के लिए बेस्ट रहेगा, बाहर जाना इनके लिए बेस्ट रहेगा। इनका जो बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है वो अप्रैल से हो रहा है, 25 अप्रैल से अगर ये कुछ भी बिजनेस करें या जॉब करें या बाहर जाने की इनकी प्लानिंग है तो तीनों फील्ड के अंदर 100% कामयाब रहेंगे। सादिया का स्टार आफ्टर मैरिज इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे, दोनों की मैटर लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। अपर हैंड आपके भाई का रहेगा क्योंकि फायर साइन है, जरा थोड़े से बल्कि इनको कूल डाउन रहना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस देंगी सादिया, इनको ऑनर देंगी, इज्जत देंगी, तो आपकी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर होने वाली आपकी अगर भाभी बनती है सादिया तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। उमर फारूक के लिए उमर फारूक का स्टोन बनता है कॉरल, इसमें रेड मरजान पहन सकते हैं और सादिया मून स्टोन पहन सकती हैं, रेड एंड व्हाइट कलर का सदका दिया करें। शुमाइला आप अपना भाई का भाभी का, और अगर आपके भाई सूरह आले इमरान सूरह बकरा की तिलावत करते हैं, सूरह इखलास की तिलावत करते हैं, बहुत मुबारक रहेगा। नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, तस्बीह किया करें, 100% बेस्ट टाइम है इनका। थैंक यू अली। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से, कैसी है सभी? मैं बिल्कुल बोल रही हूँ फाखरा। फाखरा जी, फाखरा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। शुरू में अली भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत उनके ड्रेसिंग को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है इनका बोलने का। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत तेजी में लोग होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अली भाई जो है बड़ी तसल्ली से जवाब देते हैं और अच्छा देते हैं। सही, फाखरा थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही? अब आइए, अब आइए, जो अब आपने गुस्से अच्छा, से मुझसे पूछा है ना, अब आइए। साहब कह रहे थे कि आजकल मतलब दौड़ भाड़ लगी हुई, लोग तेजी में होते हैं, लेकिन अली तबस्सुम जो है जवाब अच्छा देते हैं और तसल्ली से देते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अली बहुत सहूलत से समझाते हैं, इनकी डिफरेंट स्टाइल। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय ब्यूटीफाई माय लाइफ, अ ब्राइट फ्रीजर and fridge together. अच्छा, मेरी बेटी का नाम है कंजा खान। किंजा? कंजा, KANZA। अच्छा, कॉलेज में कंजा कहते हैं और वैसे घर में करीम कहते हैं। अच्छा ठीक है, कंजा नाम है। कंजा का मतलब क्या है फाखरा? कंजा कंजन होता है ना कुरान पाक में खजाना। अच्छा कंजन, तो उससे कंजा, KANZA। ठीक 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 है। अच्छा जल्दी, डेट ऑफ बर्थ है 14 फेब। ठीक। 14 फरवरी। ठीक। 91। सवाल बता दीजिए जल्दी से। अच्छा यही कि एजुकेशन कैसी है, कितनी है? ठीक। और जो बच्चियों के बारे में आप बता सकते हैं और शादी वगैरह और बाहर जाने का चांस है एजुकेशन के बारे में? सही, अभी बता देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ऑन एयर जवाब सुनेगा। वेल जनाब, फाखरा की इसी जबरदस्त सी कॉल के साथ टाइम हो गया छोटा सा ब्रेक का, बस थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन आपके साथ, और ब्रेक पे जाने से पहले फाखरा हमारे साथ मौजूद थी, हमारी जबरदस्त सी कॉलर, और उनका सवाल जो है अब अली को देते हैं। जी अली। थैंक यू सबीन। कंजुल कंजा कंजा खान, अच्छा वो कंजुल किंजुल ईमान की वो है ना बुक? हाँ। तो बहुत ही जैसे ईमान का खजाना, तो बहुत प्यारा इनका हमारी
भांजी का नाम है इसमें कंजा खान, अपने नाम की तरह एक अच्छे स्टार से बिलोंग कर रही है। शी बिलोंग्स टू अक्वेरियस जोहल बुर्ज, दिलों से रिलेटेड है इनका, जैसे जोड़ी का सेंडेंट साइन सैटर्न बनता है, लकी नंबर इनका 8 एंड सैटरडे इनका लकी डे, बहुत प्यारा स्टार है। और यहाँ पे जायचा भी हमारी ये प्यारी सी भांजी का अच्छा निकल रहा है, सातवां घर इनका बहुत अच्छा है, सातवें घर में बहुत ही अच्छा स्टार मून इनको बहुत ज्यादा फेवर दे रहा है चांद यहाँ पे, और जब सातवें घर में मून बैठा हो तो इट्स मीन कुछ रोशनाई, कुछ अच्छी चेंजिंग, कुछ अच्छी रूहानी पावर, कुछ अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों से रिलेशन कायम होने वाले होते हैं। फर्स्ट हाउस के साथ साथ थर्ड हाउस भी बहुत अच्छा है, थर्ड हाउस में इनको जुपिटर, तालीम से रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग है या कुछ चीज इवन कि अगर इसमें माशाल्लाह अगर हाफजा बनना चाहती हैं या आगे पढ़ना चाहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे इस वक्त इनको कुदरत की तरफ से इनकी माइंड पावर में इजाफा हो रहा है, आई क्यू लेवल इनका स्ट्रांग हो रहा है, अगर ये कुछ और आगे पढ़ने की प्लानिंग है तो कामयाब रहेगी। मैटर लाइफ इनकी बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी क्योंकि इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है और कुछ अच्छे लोगों का साथ जैसे मैंने बताया कि इंशाल्लाह मिलने वाला है और अच्छे लोगों से एक अच्छे रिलेशन कायम हो सकते हैं, पर्सनल इनकी विशेष पूरी हो रही है, जो भी इनकी प्लानिंग है इनकी अपनी उसमें इनको कामयाबी मिल रही है आपकी दुआओं के साथ साथ। तो यहाँ पे स्टोन हमारी ये सिस्टर पहन सकती है एमिथेस्ट या फिर दुरे नजफ, चार स्टोन होते हैं, वैसे तो हर इंसान के चार पांच स्टोन बनते हैं लेकिन मैं अब किसी को चार पांच अगर बताऊं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस वक्त अगर ये स्टोन वेयर कर लेती हैं दुरे नजफ या फिर एमिथेस्ट, दोनों में से कोई भी स्टोन पहने बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए, सफेद कलर का सदका दिया करें। अगर सूरह कौसर सूरह इखलास इसमें कंजा खुद से पढ़ती है बिफोर आफ्टर दूद इब्राहिम, तो इनके लिए बहुत बहुत मुबारक रहेगा। थैंक यू अली। एक कॉलर हमारे साथ है, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन बात कर रही है कहाँ से? जी हाँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाम बताइएगा। मेरा नाम है शगुफ्ता नसरीन। जी शगुफ्ता, क्या पूछना है? और मैंने अपनी बेटी के लिए मालूम करना था। ठीक है, नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ। बेटी का नाम है, वैसे तो उनका नाम वीना है मतलब सर्टिफिकेट वगैरह में, लेकिन उनको किरण कहते हैं। अच्छा, घर में किरण के नाम से पुकारा जाता है। किरण कहते हैं, नाम उनका वैसे वीना है। वीना, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1977। ठीक है, सवाल बताइएगा। उनकी सवाल शादी के ही मुतालिक है कि कब तक होगी और क्या है, शादी का बड़ा मसला है उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज शगुफ्ता, ऑन एयर जवाब सुनिएगा। जी अली। वेल 5 जनवरी बाई नेम बाई बर्थ कैप्रिकॉर्न एंड बाई नेम सैग्वेरियस, यहाँ पे वीना इनका बेस्ट नाम है क्योंकि बाई नेम इनके लिए मुबारक रहेगा वीना। अगर इनको निक नेम से किरण से भी अगर आप इसमें पुकारते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके स्टार की पोजिशन इस वक्त थोड़ा सा सातवें घर में डिस्टर्ब है। यकीनन इनके 2010-11 में अच्छे प्रपोजल आए होंगे, बातचीत बनते बनते रुकती रही है या प्रपोजल बैक होते रहे, लेकिन अभी इनके लिए गुड न्यूज ये कि इनका 27 मई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अभी मार्च अप्रैल मई दो महीनों के बाद मई से या फिर 5 जुलाई से ये दो महीने इनके लिए बड़े मुबारक रहेंगे प्रपोजल के हवाले से। इनमें अगर अच्छे प्रपोजल आते हैं जो कि जिनके साथ इनकी अच्छी इसमें लाइफ गुजर सकती है, जो इनके अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, उसमें एक्वेरियस, इंपॉर्टेंटली कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड सेजिटेरियस, ये 5 स्टार इनके अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे फ्रेंड, अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। हमारी सिस्टर मून स्टोन पहन सकती है या फिर 5 to 6 कैरेट का पर्ल मोती पहन सकती है। खुद से इनको सूर्य कुरेश, सूर्य फील एंड सूर्य फलक की तिलावत करनी होगी। ये तीनों सूरतों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी इनकी जिंदगी में, नजरें बस से बंदिशा से सेफ रहेंगी बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। ब्लैक सदका दिया करें, काले चने, काली दाल या कपड़ा वगैरह तो इनके लिए बेस्ट साबित होगा इंशाल्लाह। थैंक यू अली। बस अब मैं तो ये कितनी बात भी नहीं कर रही, जल्दी जल्दी कॉलर्स लेती चली जा रहे हैं। हेलो अच्छा लो भाई, लाइन ही ड्रॉप हो गया, देखा नजर लग जाती है फौरन। अच्छा जी जल्दी से फिर मेल है हमारे पास, शारजा से मेल है जनाब, इनका नाम है जुल्कनैन है और 27 अगस्त 1987 डेट ऑफ बर्थ है। शादी हो गई थी और डिवोर्स हो गई है, बीवी बच्चे लेकर चली गई है और मुलाकात भी नहीं हो रही है। बताओ लो, मैं क्या बताऊँ, ये तो आप बताएंगे। तो अब वो बहुत परेशान है इस चीज के लिए क्योंकि उनका कहना यह है कि एक तो दयारे गैर में है, दूसरे मतलब जाहिर सी बात आप पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, बेगम उनके यहाँ पे बच्चे लेकर आ गई हैं। तो उनका कहना यह है कि मतलब जो है जाहिर वो डिवोर्स हुई है, पैचअप तो नहीं हो सकता उनके साथ, बट वो बच्चों के लिए अपने चाह रहे हैं
कुछ मेल मुलाकात होती नहीं, इंशाल्लाह इनका इसमें जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे भाई जुल्कर्नैन, ही बिलोंग्स टू अ वर्गो, अतारुबुर सुमना से रिलेटेड है। सेवंथ हाउस इनका लास्ट पार्ट 3 ईयर से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, 2009 से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही है, कुछ इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें निकल रही जिसकी वजह से इनकी ये मैरिज फेलियर हुई है, ब्रेक हुई है। बच्चों की तरफ से इनका इसमें फिफ्थ हाउस अच्छा है, द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, पांचवें घर में इनको दो अच्छे स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, जुपिटर एंड मून। और इसका मतलब ये होता है कि खुशी मिलने वाली है, कोई कामयाबी मिलने वाली है बच्चों की तरफ से, तो थोड़ा सा वेट करें। सातवां महीना जुलाई इनके लिए बेस्ट साबित होगा, जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि इनको बीवी की तरफ से भी गुड न्यूज मिल सकती है, वो इन पर मेहरबान हो सकती है बच्चों के हवाले से, जैसे कि इनके साथ रखने के लिए महीना दो महीने कोई भी कंप्रोमाइज कर सकती है जुलाई अगस्त तक। ज्यादा से ज्यादा सूरह यूसुफ, सूरह यूनस एंड सूरह मुजम्मिल की अगर ये तिलावत करते हैं डेली या वीकली, इंशाल्लाह सदका देते हैं चारों दालों का, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। आगे सेकंड मैरिज इनकी कामयाब रहेगी, जो कि जुलाई इसमें अक्टूबर नवंबर तक प्रपोजल आ सकते हैं, 2013 के मिड तक इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है जो कि कामयाब रहेगी। सही। अच्छा अली कॉलर है हमारे साथ। अच्छा अच्छा, मेल ही हमारे पास हैगी, एक है अकरम साहब हैं। अतः इत्तेफाक है कि जो भी मेल्स होती हैं, मैं ये कहती हूँ कॉलर्स में खवातीन तो हमारे पास मौजूद होती है, तो मैं जरा सा भाइयों की जरा सा मेल उठा लेते हैं। अच्छा, अकरम साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनकी मेल है, इनकी मेल भी हमारे पास जो है वो यूके से आई है, और इनका कहना यह है कि कारोबार पाकिस्तान में बहुत अच्छा इनका चलता था, और ये कि जब मतलब ये कि मगर वो दोस्त जो एक होता है ना कि ग्रुप बना के और चलो बाहर चल के कमाते हैं पैसे, इनका ये हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं सारा यहाँ से वाइंड अप करके जो है वो यूके आया हूँ, और अब यहाँ पर जो है वो रोटियों के लाले पड़ गए कि मैं पाकिस्तान भी कुछ नहीं भिजवा पा रहा और यहाँ पर भी रह नहीं पा रहा हूँ। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 8 अगस्त है 1983 है। लियो शम्स अकरम बाई नेम भी फायर साइन है एंड बाई बर्थ भी फायर साइन है, बाई नेम एरीज एंड बाई बर्थ इसमें लियो। मैं तो हैरान हूँ कि इनको क्यों दूसरों, ये लोग तो खुद मशवरा देते हैं दूसरों को, बस जब खुद बातों में आ जाते हैं। रियली वाकई हकीकत बात है, एक अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मुंतजम होते हैं, आप यकीन करें कि एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बल्कि टीम वर्क की शक्ल में ये आगे लेके जाने की हिम्मत रखते हैं। इनको मस्ट ही विल कम बैक, देन ही विल स्टार्ट द वर्क 100% ही विल बी सक्सेसफुल। इनको वापस आना होगा क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनकी प्लेनेटरी पोजीशन सेकंड हाउस में डिस्टर्ब है। नाइन्थ हाउस अच्छा है, बिजनेस करना, कारोबार करना, इसमें प्रीवियस सिचुएशन पर जो भी अपना बिजनेस कर रहे थे, जिस चीज में भी एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, जो भी पास्ट में अपना कारोबार कर रहे थे, इन्हें सभी लाजमन वही करना होगा क्योंकि फाइनेंशियली मजीद इनको लॉस के खतरात हो सकते हैं। इस वक्त जिस पोजीशन पर है इनको उस पोजीशन से वापस पिछली पोजीशन पर आना होगा, और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टाइम अपनी मर्जी करें क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह अगस्त तक अगर ये आ जाते हैं इसी साल में और अगस्त सितंबर से अपना कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इनकी जरूर मदद करेगा, बरकत रहेगी कारोबार में। रूबी पहन सकते हैं, रेड कलर का सदका दें, सूरह कमर, सूरह इनाम एंड सूरह शम्स की अगर ये तिलावत करते हैं तो 101% के लिए मुबारक रहे इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? सोनिया बात कर रही हूँ कराची से, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था जी। सोनिया नाम बताइए जल्दी। सिस्टर का नाम हेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उनकी 21 सितंबर। ठीक है, सितंबर 1989। ठीक है, और वालदा का नाम भी बताइएगा जी। वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम रुबीना। सवाल बताइएगा जी। मुझे ये पूछना था कि एक तो इसकी एजुकेशन का बताने क्योंकि इसकी एजुकेशन बीच में रुकी जा रही है, अभी इसने इंटर में है ना, ये पढ़ने से इतनी जिद करती है, और इसकी शादी का मतलब कि इसकी पसंद से करेगी या वैसे करेगी, जरा क्लियर कर दें इस बात को क्योंकि इसने बहुत परेशान करा हुआ है हम लोगों को ना यहाँ पर। ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया सोनिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जवाब सुनेगा अली, झटपट जवाब दे दें। वेल हीना, 21 सितंबर इतना तेज मैं तो खुद बोल रहा हूँ। वर्गो, अतारुबुर सुमला अच्छा साइन है, थर्ड हाउस इनका अच्छा है इस वक्त तालीम का, और मैं इनको एडवाइस दूंगा कि इस वक्त इनका बेस्ट टाइम है तालीम से रिलेटेड,
कॉन्सेंट्रेट करें तालीम के अंदर, क्योंकि नेचुरली तौर पे दो अच्छे स्टार जुपिटर एंड वीनस इनको फेवर दे रहे हैं। शादी इसमें मैं समझता हूं कि इनकी कुछ यहां पे कॉम्प्लिकेशन निकल रही है, मे बी पॉसिबल 70% की पसंद की हो सकती है जो कि कामयाब रहेगी, लेकिन आउट ऑफ फैमिली में अभी इस तरफ मैं समझता हूं कि ध्यान ना दे, क्योंकि अगर अपनी कंप्लीट एजुकेशन कर ले तो इनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। 2013 इनके लिए मुबारक रहेगा शादी के हवाले से, 2013 फरवरी एंड मई ये दो महीने निकल रहे हैं। नेक्स्ट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हर रिलेटेड टू मैरिज, अभी ये साल बल्कि अगले साल तक तालीमी जो भी रुकावटें वीकनेस है इनकी जिस सब्जेक्ट में भी उसको कवर कर सकती हैं और तालीमी काबिलियत में इजाफा हो रहा है, इंशाल्लाह मैरिज कामयाब रहेगी। यही साल एंड ऑफ दिस ईयर तक चीजें वाजिया हो जाएंगी मैरिज के हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से और तालीम के हवाले से। और सदका दिया करें रेड कलर में, येलो सफायर, पुखराज या फिर यमनी अकीक पहन सकती है, मुबारक रहेगा। थैंक यू अली, इतनी जल्दी इसलिए बताया कि शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मेरी दोबारा से मुलाकात होगी। वेल व्यूअर, आप लोगों से भी इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। एक छोटा सा साइलेंट मैसेज दे रही हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में एक मकाम पे पहुंच के जब पीछे कदम हटाते हैं तो ये याद रखिए कि रिटर्न में एक हद तक ही वो मोहब्बत आपके पीछे आएगी, ऐसा ना हो कि स्टल हो जाए। अल्लाह हाफिज़।